हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो के अंदर अपन बात करेंगे ट्यूब टूलिंग। इससे पहले अपन बात कर चुके हैं एनोड, हील इफेक्ट, एनोड एंगल, लाइन फोकस प्रिंसिपल, ये सब चीज़ें अपन पढ़ चुके हैं। और उन सब में क्या था, कहीं ना कहीं हीट प्रोड्यूस हो रही थी, तो उस सब हीट को किस तरह अपन कंट्रोल करते हैं वो सारी बात अभी इस अपन ट्यूब कूलिंग सिस्टम के अंदर बात करेंगे। तो चलिए गाइस, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए अभी वीडियो को अपन स्टार्ट करते हैं। और हाँ गाइस, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ साथ बेल आइकन भी दबा देना, ताकि आप रेडियोलॉजी से पैरामेडिकल से रिलेटेड कोई भी वीडियो को मिस ना कर सको। तो चलिए गाइस, यहाँ सबसे फर्स्ट पॉइंट ये आ रहा है कि ओनली 1% ऑफ इलेक्ट्रॉन आर कन्वर्टेड इनटू एक्सरेज एंड रिमेनिंग आर हीट। ये चीज़ देखो गाइस, जैसे ही कैथोड से एनोड पे इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक करेंगे वहाँ क्या होगा, 99% हीट होगी और 1% अपने को एक्सरे देखने को मिलेगी। तो एक चीज़ देखो गाइस, यहाँ हीट कितना परसेंट निकल रही है, यूजफुल 1%, बाकी 99% हीट है। तो ये हीट क्या करती है गाइस, ये अगर अपने को एक पता है कि हीट की एक प्रॉपर्टी होती है कि कोई भी सब्सटेंस को मेल्ट कर देती है, पिघला देती है। यहाँ ये किसको पिघलाएगी, अपने एनोड को, जो भी अपना टारगेट है ना उसको ये पिघला देगी। तो ये अपने को सबसे इंपॉर्टेंट ये होगा कि जैसे ये हीट प्रोड्यूस होगी, इस हीट को बाहर करना है जल्दी से जल्दी, हो सकता है तो फास्ट से फास्ट अपन इस हीट को बाहर करेंगे। तो ये देखिए गाइस, अपन लाइन फोकस प्रिंसिपल में क्या पढ़ा था, वहाँ हीट को फास्ट अपन पास करते हैं और साथ ही साथ में इमेज शार्पनेस को भी मेंटेन रखते हैं, वो होता है अपना लाइन फोकस प्रिंसिपल एनोड एंगल देने के बाद। देन ये देखिए गाइस, इसको इस पर्पज़ के लिए आप एक ट्यूब कूलिंग सिस्टम का यूज़ करते हैं, मतलब ट्यूब से हीट को निकालने के लिए ट्यूब कूलिंग सिस्टम का यूज़ करते हैं। तो ये देखिए गाइस, इस टाइप से अपने को एनोड कैथोड देखने को मिलेगा, उनमें से एक ये पंप लगा होगा, इस पंप पे मोटर होगी, रिजर्वोयर होगा जिसमें लिक्विड होगा, मीन्स ऑयल वगैरह होगा, ये इसके बाहर वाली लेयर होगी ना, ये पाइप से कनेक्ट होगा और ये ऑयल इसके चारों ओर घूमेगा या फिर उसके बाहर रहेगा। तो ये क्या करेगा, ऑयल जो भी हीट हो रही है उसको अब्जॉर्ब कर देगा और इसी ऑयल को फिर आगे जाके इसको फिर ठंडा किया जाएगा, लिक्विड टू एयर हीट एक्सचेंज ये रहा, ये है ना, यहाँ फिर ये एक्सचेंज होता रहेगा। एक तरफ ये कूलिंग हीट ये कूल होगा, एक तरफ ये हॉट ऑयल होगा, ये दोनों तरफ इसका भी ये सर्कुलेशन चलता रहेगा। देन ये देखोगे, एक्सेल ट्यूब इनक्लोज इन ए मेटल केस। एक्सेल ट्यूब क्या है गाइस, अपने को लेड के एक मेटल के अंदर है और उसके अंदर क्या है, ग्लास एनवलप, उस ग्लास एनवलप के अंदर कैथोड एनोड है और एनोड वहाँ हीट हो रहा है, मतलब वहाँ ट्यूब के अंदर हीट हो रहा है ना। तो ये क्या करेगा गाइस, ये दिस और ये मेटल और जो ट्यूब जो अपना ग्लास है ना, जो वकम वाला ग्लास एनवलप है, उसके बाहर वाली साइड अपने को ऑयल देखने को मिलेगा और वो क्या होगा, ऑयल एक इंसुलेशन पर्पज के लिए भी होगा साथ साथ में, और एक गाइस जो भी इसकी जो हीट हो रही है उसको भी अब्जॉर्ब करेगा। तो ये क्या करेगा, ये ऑयल है ये हीट को अब्जॉर्ब करेगा किसके थ्रू, कन्वेक्शन प्रोसेस के थ्रू। ठीक है गाइस, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन, ये तीन आप पुरानी एक्सरे फिजिक्स की आपको सीरीज मिलेगी, उसके अंदर ये तीनों टर्म्स को आप एक्सप्लेन कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो ये वीडियो खत्म होने के बाद वो प्लेलिस्ट आप चेक कर सकते हो, उसके अंदर कुछ वीडियोज मैंने डाल रखी है, कुछ आने वाली है, इसलिए बोलता हूँ यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आप इस तरह की वीडियोज को इन फ्यूचर मिस ना कर सको। देन ये कह रहा है कि ऑयल अराउंड द ट्यूब इज कनेक्टेड, जो अपने जो भी अपना ट्यूब होगा, एनवलप होगा, ग्लास एनवलप, जो अपने ट्यूब के अंदर ये जो भी ऑयल है ये दो पाइप से कनेक्ट होगा और ये पाइप्स किससे कनेक्ट होगी, एक रिजर्वोयर और एक पंप से, और ये पंप क्या करेगा, जिस ऑयल को एक तरफ से लेके दूसरी तरफ ऊपर इसको पुश कर देगा। और यहाँ क्या होगा, ये जो ऑयल है ये देखिए जो हीट हो रही है, एनोड हीट हो रहा है, उसको कूलिंग के लिए उसकी हीट को खत्म किया जाए कन्वेक्शन के थ्रू, तो वो ऑयल खुद गर्म हो जाएगा। अभी खुद जो गर्म ये ऑयल हो चुका है, जो ये ऑयल अपना हीट हो चुका है, इसको भी फिर कूल करना पड़ेगा, तो फिर ये क्या होगा, यहाँ अपना ऑयल को भी यहाँ कूल किया जाएगा। देन गाइस, कुछ ऐसे बेस्ट मेथड है जिनसे अपना जो भी अपने ट्यूब हीट को कंट्रोल कर सकते हैं। सबसे फर्स्ट है वो तो क्या है गाइस, ऑयल कूलेंट्स का अपन यूज़ करते हैं। सेकंड है स्पिनिंग एनोड, एक एक जगह एनोड पे नहीं लगेगा, अगर आप कंप्लीटली एनोड रोटेशन के अंदर होगा या फिर बोल सकते हो रोटेटरी एनोड या रोटेटिंग एनोड, वो अगर घूमते घूमते उस पर इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो हीट क्या होगी, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। एसी इन द रूम, जो भी अपना एक्सरे रूम है जिसमें एक्सरे ट्यूब हो सकता है, सिटी हो, सिटी गैंट्री वाले रूम के अंदर या फिर अपने एक्सरे ट्यूब वाले रूम के अंदर, मेनली अपना एसी का यूज़ होगा वहाँ। ये एसी क्या करेगी गाइस, जो भी अपने ट्यूब है, मैंने एक एग्जांपल देखा था, ये देखा था कि जो सिटी की मेरी वहाँ हॉस्पिटल में मशीन थी वो इतनी हीट हो चुकी थी, 99% हीट हो चुकी थी, एक पेशेंट था वो हिल रहा था, तो उस कारण ये हमें प्रॉब्लम फेस करने को मिली। तो आप इस चीज़ को भी अवॉइड कर सकते हैं गाइस। देन अभी यहाँ बात आ रही है रूम के अंदर एसी हो तो टेम्परेचर को कूल डाउन रखेगी, इसीलिए आप उसको हर टाइम एसी को ऑन रखते हैं ताकि अपनी ट्यूब है वो कूल रहे। ये कुछ चार पॉइंट्स है गाइस जिसके अपन ये ट्यूब की जो ट्यूब हीट है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही, अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स, हैव ए नाइस डे।